brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का बीते शाम निधन हो गया। सुशील कुमार मोदी ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। बता दें कि सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने एक्स पोस्ट में 3 अप्रैल को दी थी। सुशील कुमार मोदी के निधन से बिहार ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव से लेकर पीएम मोदी तक ने सुशील मोदी के निधन पर दुख जताया। बता दें कि सुशील मोदी का 3 दशक का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 फरवरी 1952 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल मोदी और माता का नाम रत्ना देवी था। सुशील कुमार मोदी ने अपनी शादी ईसाई धर्म में की थी। उनकी पत्नी जैसी सुशील मोदी पेशे से कॉलेज प्रोफेसर है। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम उत्कर्ष तथागत और दूसरे का अक्षय अमृतांशु है। सुशील मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक करियर रहा। इस दौरान वो विधायक, MLC, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री तक का उन्होंने पद संभाला। वो 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, पहली बार 2005 से 2013 तक। और रेडीमेड कपड़े का पैतृक व्यवसाय छोड़कर सुशील मोदी ने राजनीति में एंट्री ली थी। सुशील मोदी सियासत में माहिर थे। बिहार में सत्तासीन होने के बीजेपी के सपने को पूरा करने में उनकी अहम भूमिका थी। माना जाता है कि बिहार में JDU RJD महागठबंधन RJD के पतन के पीछे सुशील मोदी ने ही मुख्य किरदार निभाया था। 1962 के चीन के साथ युद्ध के दौरान सुशील मोदी ने स्कूल छात्रों को एकत्रित करने में काम बखूबी निभाया। नागरिकों और छात्रों के फिटनेस सुधारने और उन्हें परेड सिखाने के लिए सिविल डिफेंस ने उन्हें कमांडेंट के तौर पर नियुक्त किया था। इस दौरान सुशील मोदी RSS से जुड़ गए। सुशील मोदी 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी थे। सुशील मोदी का राजनीतिक करियर पटना विश्वविद्यालय में उनके छात्र जीवन से शुरू हुआ। 1973 में वो छात्र संघ के महासचिव चुने गए। 1990 में वो पहली बार पटना सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। इसके बाद वो 1995 में विधायक चुने गए, तभी उन्हें बीजेपी का चीफ व्हिप बना दिया गया। इसके बाद 2000 में लगातार 3री बार विधायक बने। सुशील मोदी ने 1996 से 2004 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका अदा की। बता दें कि सुशील कुमार मोदी 2004 में भागलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। 2005 में उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ दी और MLC बना दिए गए, जिसके बाद उन्हें पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया और नीतीश कुमार CM बने। नवम्बर 2005 से 2013 और जुलाई 2017 से 2020 तक वो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम रहने के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे। 2006 से 2012, 2012 से 18 और 18 से 2020 तक वो MLC रहे। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के सदस्य और जल संसाधन समिति के भी सदस्य रहे। जुलाई 2011, जून 2013 राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष रहे। जून 2013 से जुलाई 2017 तक विपक्ष के नेता रहे। जुलाई 2017 नवंबर 2020 तक सुशील मोदी GST काउंसिल के सदस्य रहे। दिसंबर 2020 में सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य चुने गए। इस दौरान वो GST काउंसिल में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया। दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 तक सुशील मोदी कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट के सदस्य रहे। इसके बाद 2023 तक अलग अलग कमेटियों में सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया। और इसी साल बीते महीने अप्रैल में सुशील मोदी ने कैंसर से पीड़ित होने की खबर दी, जिसके बाद कल बीती शाम सुशील मोदी का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया।